आज डीडीसी पूंछ ने किया विभिन्न जगहों का दौरा। लॉकडाउन का पालन न करने वालों के विरुद्ध की कड़ी कार्रवाई। आइए देखते हैं पीएनआई के लिए सनी शर्मा की रिपोर्ट। हमारी तरफ से ये कोशिश है कि लोग लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, तो उसको चेक करने के लिए भी बार बार कोशिश की जा रही है। इसी के लिए कल भी मैंने जो है मार्केट में और रोड पर जो है चेकिंग की थी, आज भी इसी लिहाज से मैंने हमारा जो पुंछ का मार्केट है और इस हिसाब से जो हमारा रूरल एरिया है चंडक वगैरह, वहाँ पर भी विजिट किया और लोगों को ये समझाया भी कि आपने लॉकडाउन का पालन करना है। और अभी तक लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया है। मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ सभी पुंछवासियों से कि वो अपने घरों में ही महदूद रहें, जब तक कोई अर्जेंट काम ना हो तब तक अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है तो मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और अगर आपके एरिया में कोई भी पर्सन अगर बाहर से आता है, अनजान पर्सन अगर बाहर से आता है, या फिर आपका कोई पास पड़ोस में ही कोई पर्सन बाहर से आता है, तो उसके बारे में हमें जल्द से जल्द इत्तला करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे केसेस आए हैं जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वो वहाँ पर आए थे और उसके वजह से वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। तो आपको उसके लिहाज से भी आप जो है अगर कोई भी पर्सन बाहर से आता है तो उसके बारे में हमें जरूर इत्तला करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमें आज इस हिसाब ने हमें ये चेक किया था कि आप हम आए थे। आप देखने में प्रॉब्लम यह है कि लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, वही हमने इनको समझाया है कि आप सोशल डिस्टेंस कायम रखो, क्योंकि ये आप रखोगे नहीं अपनी आपकी अपनी ज़िंदगी बचेगी। इसमें किसी का एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस की सख्ती का पैसे नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बचेगी, आपको अपनी ज़िंदगी को खुद लापरवाही मत करो। तो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोगों को अपने आप के जो भी मीडिया हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाइक चलाएँ, अपनी बीवी पिता के लोगों को अकल आए। और ये हमारा जो फोन आज तक है, चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा फोन आज तक सेफ है, आगे भी सेफ रहे इसलिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। इन पास तो असेंशियल वालों के पास या जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उसी को दिया जाता है। अलबत्ता दो पहले दिन जब लोगों को पता था कि 20 को खुल रहा है तो उस दिन लोग आए थे, उसके बाद पुलिस ने अच्छी और एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती की है, अब तो उस पर फर्क पड़ा है। अलबत्ता जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 8 से 12 तक अब लोगों की ज़रूरियात को भी पूरा करना है, वो खुली है दुकानें, कुछ जैसे ग्रोसरी शॉप है, सब्जी वाला है, मेडिकल शॉप है, क्योंकि ये तो इसकी तो ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए भी हम ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेनटेन रखेंगे तो हमारा पुंछ जैसे आगे सेफ है, आगे भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं सेफ। हमें थोड़े से असूल की ज़रूरत है, हमारे रमजान के लिए सबको मुबारक है जो भी हमारे पुंछ के वासी हैं। हम यही अपील करते हैं कि मस्जिदों में लोग खैर वाला भी फतवे दिए हैं कि मस्जिदों में ना जाएं, अलबत्ता मस्जिदों में कुछ 2-3 करके अगर वो जमात कर सकते हैं 2 आदमी या 3 आदमी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन भी चलो उसमें नहीं, लेकिन जरे जैसे मास जाके गैदरिंग करनी वहाँ वो तो कोई करने नहीं देगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो है यहाँ पे तरावी में भी लोग जाते थे, मस्जिदों में वैसे भी रमजान का रश बढ़ जाता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज सब लोग समझ चुके हैं, आपको हमें इतना पेशा नहीं है कि लोग फिर भी जाएँ, अगर फिर भी कोई इसकी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।